Welcome to Kipton Classes. In this video, I am going to discuss what is shear stress and what is shear strain. तो मेरे हाथ में यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा है और एक सीजर है, ठीक है। तो अब मैं इस कार्डबोर्ड के टुकड़े को सीजर से कट करने जा रहा हूँ। तो कट करते समय ये जो सीजर है वो सीजर इस कार्डबोर्ड के ऊपर एक शीयरिंग एक्शन लगा रहा है, यानी कि एक शीयरिंग एक्शन इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, यानी कि एक शीयर फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, जिसकी वजह से ये कार्डबोर्ड टू पार्ट में ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इसी शीयरिंग एक्शन यानी इसी शीयर फोर्स के बारे में और इससे प्रोड्यूस शीयर स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ ये जो ए बी है, आप इसको मान सकते हैं कि ये मेरा कार्डबोर्ड था और इस ए बी पे किसी एक सेक्शन पे, मान लीजिए सी सेक्शन पे, मैं ये शीयरिंग एक्शन लगा रहा था, यानी कि एक सीजर का जो ब्लेड है वो एक तरफ काटने को तैयार था और नीचे से दूसरा ब्लेड उसके साइड में काटने को तैयार और बीच में एक सेक्शन फंसा हुआ है, ठीक है। तो हम शीयरिंग एक्शन यहाँ पर लगा रहे हैं। सेम इसी कार्डबोर्ड की तरह से ये ए बी आपका कार्डबोर्ड आप इमेजिन कर सकते हैं और आपने क्या किया है, इसके ऊपर सीजर से शीयरिंग एक्शन लगा रखा है। शीयरिंग एक्शन यानी कि शीयर फोर्स, इस तरीके का फोर्स लगा रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फोर्स लगा देता हूँ, ये मैंने एक फोर्स लगा रखा है सीजर की वजह से, ठीक है, एक सी सेक्शन पे किसी एक क्रॉस सेक्शन पे। तो इस फोर्स की वजह से यहाँ पर सी क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा वो हमें देखना है, ठीक है। ये मैंने एफ लगा दिया यहाँ पर अलग से डायग्राम बनाकर, सी सेक्शन पे इस साइड में सी बी पे एफ फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड और ए सी पे नीचे से अपवर्ड फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है जैसा हमने सीजर से लगाया था। अब मैं देखना चाहता हूँ कि व्हाट इज द इंटरनल एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द सी सेक्शन, यानी कि क्रॉस सेक्शन जो सी है जहां पर हम काट रहे हैं, वहां पर उस क्रॉस सेक्शन पे हो क्या है, इंटरनल एक्शन ये बॉडी कर क्या रही है, ठीक है। जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते, किसी भी तरीके का फोर्स लगाते, टेंशन फोर्स लगाएं आप, चाहे कंप्रेशन फोर्स लगाएं, चाहे आप किसी भी प्रकार का फोर्स लगाएं, तो बॉडी एक इंटरनल एक्शन करती है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था नॉर्मल स्ट्रेस, यानी कि जब हम बॉडी को खींच रहे थे या कंप्रेस कर रहे थे तो बॉडी क्या कर रही थी, अपने आप को अपनी लेंथ नहीं बढ़ने दे रही थी, अपनी लेंथ घटने नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से स्ट्रेस पैदा हो रहा था, नॉर्मल स्ट्रेस पैदा हो रहा था, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आप बॉडी को कट करना चाहते हैं और कट किस तरीके से करना चाहते हैं, यहाँ पर ये बॉडी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ दिस बॉडी और ये आपकी एक ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस है एंड यू हैव अप्लाइड फोर्स इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपने क्या किया है, बॉडी की ट्रांसवर्स एक्सिस में फोर्स लगा रखा है, यानी कि यू हैव अप्लाइड ट्रांसवर्स लोड ऑन दिस मेंबर ए बी। तो जब आपने ट्रांसवर्स लोड लगाया इस ए बी पार्ट के ऊपर, तो जो क्रॉस सेक्शन है इसका, यानी कि जो क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर वाला जो एरिया होता है, दैट इज नोन एज क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन के ऊपर एक इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स आएगा क्रॉस सेक्शन के ऊपर, ठीक है, और जो फोर्स पैरेलल होगा क्रॉस सेक्शन के, और उस फोर्स को मुझे देखने के लिए क्या करना होगा, उस फोर्स को मैं देखने के लिए क्या करूंगा, इसको मैं सी सेक्शन पे कट करूंगा। तो यहाँ मैंने तीसरा डायग्राम बनाया हुआ है एसी सेक्शन का, फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी पे लेफ्ट हैंड साइड में एक फोर्स लग रहा था, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स था वो था हमारा एफ, तो वो मैंने एफ लगा दिया। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो डायग्राम है, ऊपर मैंने 2D में बनाया है, यहाँ पर 3D में बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा ये एफ फोर्स ऊपर लग रहा था, ये वाला जो मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। तो इस एफ फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए इंटरनल एक्शन करेगी आपकी बॉडी, ठीक है। अब इंटरनल एक्शन करेगी तो छोटे 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 फोर्स थ्रू आउट दिस क्रॉस सेक्शन एरिया पैदा होंगे, जो कि इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। क्यों, बॉडी डज नॉट वॉन्ट्स टू ब्रेक और कट, ठीक है, बॉडी कट होना नहीं चाहती, ब्रेक होना नहीं चाहती, तो वो क्या करेगी, इंटरनल एक्शन लगाएगी, ठीक इस एफ फोर्स के अपोजिट उसका रिजल्टेंट होगा और छोटे छोटे फोर्स इस क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पे पैरेलल टू दिस क्रॉस सेक्शन लगेगा। तो ये देखिए मैं बना देता हूं यहां पर ये छोटे छोटे फोर्स यहां पर, ठीक है, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन उसके पैरेलल ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये छोटे छोटे फोर्स लग रहे हैं,
अब इन छोटे छोटे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो मैं मान लेता हूँ टोटल फोर्सेस का, ये इक्वल इक्वल है और इक्वल डायरेक्शन में ये हर पॉइंट पर लग रहा है क्रॉस सेक्शन के, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरीके से, ये इनका रिजल्टेंट मान लेते हैं हम लोग P, जो इन इन रेजिस्टिव फोर्सेस का रिजल्टेंट है, ठीक है। तो ये P है, दिस P शुड बी इक्वल टू F, ये P F के बराबर होना चाहिए, जो एक्सटर्नल लोड है उसके बराबर होना चाहिए P, ठीक है। और ये जो P है, अगर इस P को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो ये P हो जाएगा आपका, और ये जो छोटे छोटे आपके फोर्सेस हैं इनको अभी के लिए मैं मान लेता हूँ टाउ, थोड़ी देर के लिए मैं एक फोर्स को जो छोटा सा फोर्स लग रहा है एक किसी एक पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन के, और पूरे हर पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है टाउ, तो मैं इसका सिंबल मान लेता हूँ कि टाउ है, ठीक है। तो ये टाउ है, हर पॉइंट पे लग रहा है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ए है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये जो पी है, जो रिजल्टेंट पी है, दैट विल बी इक्वल टू टाउ इंटू ए, और यहां से अगर मैं टाउ निकालना चाहूं तो दैट विल बी इक्वल टू पी बाई ए और एफ बाई ए, दैट इज एक्सटर्नल ट्रांसवर्स लोड। ये क्या है, एक्सटर्नल ट्रांसवर्स लोड, एक्सटर्नल ट्रांसवर्स लोड, ठीक है, डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जो टाउ है, दिस टाउ इज नोन एज शियर स्ट्रेस, दिस टाउ इज नोन एज शियर स्ट्रेस, ठीक है। इस टाउ को हम लोग क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोलते हैं, और दैट शियर स्ट्रेस इज एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, शियर स्ट्रेस एक्ट पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, वही नॉर्मल स्ट्रेस जो आपका था हमने पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया था वो परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन लगता था, ठीक है। तो ये नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन लग रहा है, तो इसलिए इसको हम टाउ बोलते हैं, इसका सिंबल अलग है, इसका नाम अलग है, शियर स्ट्रेस, ठीक है। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एफ बाई ए, और एफ क्या है यहाँ पर, एक्सटर्नल ट्रांसवर्स लोड, जो ट्रांसवर्सली इस बॉडी के ऊपर लग रहा है, लॉन्गिट्यूडनल के अलॉन्ग नहीं लग रहा है।